इसको हम ऐसे अच्छे से हाथों में लेंगे और उसके बाद अपने पाम में रख के इसको जरा सा हम लोग प्रेस करेंगे तो ऐसे ये कबाब कबाब के फॉर्म में आ जाएगा। यस, और यहाँ पे रख दिया। If you all enjoyed my video, then please subscribe my channel. After subscribe the channel, please press the bell icon for the next video of my channel. Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and enjoying in your home. So again, welcome in my kitchen. Today is Sunday and Sunday is a fun day. Yes. तो आज अभी इवनिंग का टाइम है और हमें भूख लग गई है, तो हमने सोचा कि जल्दी से क्या बनाया जाए जो बहुत ही जल्दी बन जाए। तो इसलिए आज मैं आपको एक इवनिंग स्नैक जो इंस्टेंट बन जाएगी, 5 to 10 मिनट्स में आप रेडी कर सकोगे, वो बताने जा रही हूँ मैं। सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, तो ये ऐसा स्नैक्स है जिसे आप बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकोगे। तो आइए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सोया कबाब। Yes, जो न्यूट्रेला होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सोयाबीन, तो मैं उसका कबाब बनाने जा रही हूँ। ये हमारा सोयाबीन है, इसको मैंने 1 बॉल सोयाबीन लेके पानी में सोक करने के लिए रख दिया। नॉर्मल वाटर लिया है हमने, उसमें हमने सोक करने के लिए रख दिया है। आप देख रहे होंगे ये काफी स्पॉन्जी हो गया है, तो इसको हम अच्छे से स्क्वीज करेंगे और इसे इस जार में डाल के ग्राइंड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपका कबाब बहुत टेस्टी लगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ बेसन, ये बेसन है जो कि सिर्फ 2 स्पून ऐड करेंगे। ये हमारा मैदा है, मैदा हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारा जो कबाब है वो अच्छे से बाइंड हो सके। आप इसके जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हो। ये हमने टीस्पून, बहुत छोटा टीस्पून हमने ये भुना हुआ जीरा लिया है जिसे हमने तवा पर रोस्ट कर दिया और फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करके, तो ये हमारा भुना हुआ जीरा है। और ये है हमारा राइस फ्लोर जिसे हम चावल का आटा भी बोलते हैं। और ये 2 पिंच हमने अजवाइन लिया है, अजवाइन ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि फिर कड़वापन आ जाता है हमारे कबाब में इसलिए। और ये हमने 1 चिली ली है, चिली को आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हो तो। और टेस्ट के हिसाब से हम अपना सॉल्ट डालेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने इस सोयाबीन को यानी न्यूट्रेला को अच्छे से स्क्वीज करके इस जार में डाल देंगे। न्यूट्रेला हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसमें बहुत से प्रोटीन्स रहते हैं जो आपके हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो क्योंकि आप ये चीजें हाथों से कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका हैंड वॉश अच्छे से होना चाहिए। ऐसे भी कोविड का टाइम चल रहा है तो काफी लोग बार बार दिन भर में 3 to 4 times अपना हैंड वॉश करते ही होंगे, तो आपका हाथ क्लीन होना चाहिए, ये आप पक्का से पक्का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको जा रहे हैं ग्राइंड करने के लिए और बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि बहुत ही बारीक हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये काफ़ी अच्छे से हो गया और खिला खिला भी लग रहा है। तो इसको हम अब रेडी करने से पहले हम क्या करते हैं कि अपना गैस स्विच ऑन कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये कढ़ाई है वो हीट हो जाए, क्योंकि हमें इसको शेलो फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसको हीट करेंगे। अब हम क्या करते हैं अपना मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम सब न्यूट्रेला को यानी सोयाबीन को एक आप बॉल में लोगे जिसमें आप अच्छे से मिक्स कर पाओ, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो भी मैंने आपको बताया था जो जो चीजें इसमें ऐड करनी है उसको हम अब इसमें एक साथ डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपना बेसन, देन अजवाइन, देन राइस फ्लोर, मैदा एंड देन भुनावा जीरा। इसको अच्छे से डाल लिया। आपकी आप कितना स्पाइसी खाते हो उस हिसाब से इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे एंड देन सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर
taste. Okay? So, अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे. फिर से मैं बोलना चाहूंगी, make sure कि आपका hand wash हो. आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा dry है, तो इसमें हम, ताकि आपका अच्छे से bind हो जाए, तो हम थोड़ा सा इसमें पानी को ऐड करेंगे. ये मैंने हाफ कप वाटर लिया है, इसको हम अच्छे से ऐड करेंगे और अब इसको हम मिक्स करेंगे. ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया. तो ये हमने सारा मिक्स कर लिया है अच्छे से, ये हमारा रेडी हो गया है कबाब बनाने के लिए. तो अब हम क्या करेंगे, हमारा कढ़ाई भी हीट हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल. मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, बटर भी यूज कर सकते हो और ये रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो. सॉरी, तो अभी मेरे पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल यूज करने जा रही हूँ. ठीक है, तो हम इसको शेलो फ्राई करेंगे, तो इसलिए आपको पता है शेलो फ्राई में ऑयल कितना डालना चाहिए ताकि सिर्फ ये हाफ फ्राई हो सके, इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है. तो ये मैंने करीब शेलो फ्राई के लिए जो हमारा चाय वाला कप होता है छोटा सा, उसका हाफ मैंने इसमें डाला है. ठीक है, अब हम बनाने जा रहे अपना कबाब. इसको हम ऐसे हाथों में लेंगे, इसको हम ऐसे अच्छे से हाथों में लेंगे और उसके बाद अपने पाम में रख के इसको जरा सा हम लोग प्रेस करेंगे, तो ऐसे ये कबाब के फॉर्म में आ जाएगा. यस, और यहाँ पे रख के दिया. ये देख रहे होंगे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और इसे हमें कुक तब तक करना है जब तक ये रेडिश ना हो जाए आगे से और पीछे से. ठीक है, मैं एक चीज सोच रही हूँ कि मैं हर संडे को आऊंगी, बट जिनको मेरा कुकिंग करना अच्छा लग रहा है, मे बी वो पूरा वीक वेट करते होंगे, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मुझे वीकडेज में कभी टाइम मिले, कुछ मुझे आया कि हाँ चलो ये बनाते हैं, तो मैं पक्का बनाऊंगी वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. संडे को तो हम मिलेंगे, कभी हमारा बीच में वीकडेज में मन कर गया तो भी हम आ जाएंगे. तो ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है और घर में जो वर्किंग हस्बैंड वाइफ हैं या वर्किंग हस्बैंड है तो भूख लगती रहेगी, क्योंकि हमें एक जगह बैठ के काम करना है और घर में रहना है और घर में किचन हो तो ऑब्वियसली किचन को देख के तो भूख लगेगी ही. तो इसलिए मैं बोल रही थी वीकडेज में मेरा जब भी मन करेगा मैं आऊंगी, कुछ बनाऊंगी और पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ठीक है, तो ये हमारा कबाब आप देख रहे होंगे अच्छे से, ये हमारा शेलो फ्राई हो रहा है, ऑयल भी अच्छे से गर्म है और पता है ये खाने में टेस्टी लगता है. ये मेरा मतलब मैंने इसको ये सेकेंड टाइम में बना रही हूँ, ये मेरा खुद का ट्रायल है. इसको जैसे मैंने कहीं पे सर्च नहीं किया था, एक बार मन किया कि मैंने सोयाबीन देखा, न्यूट्रिला देखा और मेरे घर में गेस्ट आ गए थे तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बनाया जाए, तो कुछ कबाब जैसा खाने का मन हो रहा था और सावन का टाइम चल रहा था, ये लास्ट ईयर की बात है. तो जस्ट मैंने ये लिया, न्यूट्रिला लिया, उसको सोक किया, ग्राइंड किया और मैंने बनाया और गेस्ट को भी पसंद आया. तो ये आप देख रहे होंगे ये शेलो फ्राई हो रहा है, इसे हमें लाइक 4 to 5 मिनट तक हमें बहुत ही धीमे आंच पे कुक करना है ताकि अच्छे से पक जाए. आप इसको पलटते रहिएगा. तो हमारे कबाब अब रेडी हैं, आप देख रहे होंगे खाने के लिए रेडी हैं ये कबाब. होप कि आप लोग को पसंद आए होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया. आप ट्राई कीजिएगा, आपको कैसा लगेगा प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. ओके, तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. अब हम इसको खाएंगे, अब मैं अपनी चाय भी बनाऊंगी, फिर उसके साथ हम इसको बैठ के खाएंगे. आप लोग भी प्लीज अपने संडे इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कीजिए घर में. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो बाय एंड टेक केयर.